जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है, पर अफसोस तुम चारों हार कर लौटे हो। और जानते हो ना, जिनकी वजह से हम हारते हैं उनको मरना पड़ता है। यही हमारी परमानेंट सफलता और सच्ची दोस्ती का राज है। हम तीनों दोस्त हैं, सच्चे दोस्त, लेकिन हम तीनों के अलग अलग कारोबार हैं। ये सिर्फ टेम्पररी दुनिया को दिखाने के लिए, असल में हम तीनों एक नंबर के हरामी, सुअर और लुटेरे किस्म के आदमी हैं। हमारा काम है दुनिया को लूटना और लूट के माल को आपस में बराबर बराबर बांटना, चाहे वो दौलत हो या किसी की जिंदगी। अब ये फंदा अपने अपने गले में डाल लो। इस बार गलती होगी भुजाल साहब, हमको माफ कर दो। हमको माफ कर दो भुजाल साहब, माफ कर दो ना प्लीज एक बार। पर मैं गलती नहीं करता, गलती की सजा ही तो है ये फंदा। अब अपने अपने हाथों से अपने अपने गले में डालो ये फंदा। हमको माफ कर दो प्लीज एक बार। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो। मैं नहीं माफ कर दो। प्लीज एक बार माफ कर दो। माफ कर दो जैसा, माफ कर दो। माफ कर दे, मैं कहता हूं डालो। हमारे फंदे से बचना नामुमकिन है। अब हमारे पाले हुए मगरमच्छ तुम लोगों के जिस्मों को चटकारे ले लेकर खाएंगे। बहादुर, पता करो माइकल जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको रिमांड के लिए कोर्ट कब ले जा रहे हैं, ताकि उसकी जबान खुलने से पहले हमारा फंदा उसके गले में पड़ जाए। आपको उसकी खबर मिल जाएगी। ठहरो, और यह भी परमानेंटली पता करो कि माइकल को जिसने पकड़वाया है उस उल्लू के पट्टे का पता क्या है और वो करता क्या है टेम्पररली, ताकि हमारा फंदा उसके गले की भी शोभा बढ़ा सके। पूजा, यू आर सो स्वीट, यू आर ग्रेट, मेरी छोटी सी देवी, तेरी तो पूजा करने को जी चाहता है। माय पराठा मिनिस्टर, यू आर माय फूड मिनिस्टर, माय होम मिनिस्टर, यू आर माय लाइट हाउस। तेरा तो लाइट हाउस मैं हूं, क्यों देखते ही आंखें चुदी आ गई? शर्म नहीं आती तुम्हें रात को चोरों की तरह घर में घुसते हुए? तुम कब सुधरोगे, कब जिम्मेदारी का एहसास होगा तुम्हें? क्यों डांट रहे हो उसे, बेचारा सुबह से भूखा है, खाना तो खा लेने दो। थैंक यू पापी जी, यू आर माय डिफेंस मिनिस्टर। पता नहीं सारे घर को इस आवारा से क्यों इतनी हमदर्दी है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। भैया आप मुझे जो चाहे कह लें, आवारा कह लें, गुंडा कह लें, लेकिन मैं अन्य की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये मेरा अन्न देवता है ना मेरी सोनी पाभी, मैं इसे खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। और सुन, जा वो सुबह वाला भरता बचा है नीचे ना, ले आ पांच फूल के लिए, जा, जा। अच्छा चाचा। भाभी जरा भैया को समझा दे, हर बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई का पालन पोषण अच्छी तरह करे, उसे अच्छा पहनने को दे, अच्छा खाने को दे, देसी घी का बना हुआ दे। हाँ, ताकि तुम ज्यादा हट्टे कट्टे बन जाओ और ज्यादा गुंडागर्दी करो। शंकर, तुम इतने बड़े हो गए हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो चार पांच बच्चों के बाप बन गए होते। चार पांच बच्चे क्यों भैया, छह सात कहो, छह सात। अच्छा शादी नहीं हुई, अब तो छह सात बच्चे होते तो उनका लालन पालन मैं करता। ना ना ना, उनका पालन पोषण भी आप ही को करना पड़ता, क्योंकि देखो मेरे हाथ में तो कामकाज की लकीर ही नहीं। जो तुमने कहा तेरे हाथ में, ये देखो ये लकीर है, बड़े भाई का सुख, और सुख मिल रहा है, जी भर के खा रहा हूँ। और भाभी फिर मैंने कहाँ कहाँ काम करने की कोशिश नहीं की, और काम ना मिले तो मैं क्या करूँ। देख तू जानती है मैंने कुलीगिरी करनी चाही, दाना मंडी में बोरियां ढोने की कोशिश की, बूट पॉलिश करने की कोशिश की, लेकिन सबने ये कहकर निकाल दिया कि तू शक्ल से चोर लगता है। मैंने कहा मेरा भाई भी यही कहता है। ओए ड्रामेबाज। हाँ जी। तू जीता मैं हारा, देखा इसका ड्रामा,
सुन, मैंने शादीलाल कंस्ट्रक्शन के मालिक शादीलाल से बात कर ली है, तू कल वहां चला जा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। बैठिए। शंकर आया था आपके पास? आया था, मैंने उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया है, बल्कि उसने काम भी शुरू कर दिया है। और साहब, नौकरी हमने उसे टेम्परेरी नहीं परमानेंट दी है, बिल्कुल परमानेंट। आपकी बड़ी मेहरबानी शादीलाल जी। अजी, मेहरबानी तो परमानेंटली ऊपर वाले की है, जिसने आपको हमसे मिलवाया। अब जरा आप भी मेहरबान हो जाएं तो अपनी पोजीशन क्लियर हो जाए। कैसी पोजीशन? वही एक साल पुराना झमेला, वो नेशनल हाईवे पे जो हमने ब्रिज बनाया था, उसकी तरफ तो आप देख ही नहीं रहे। उसकी फाइल तो ऐसी होगी जैसे गोडाउन में भेज दी हो, वहां पड़ी पड़ी सड़ जाएगी परमानेंटली। उसकी उम्मीद तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। कैसी टेम्पररी बात कर रहे हैं आप हजूर? 1.5-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। आपके 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए तो उस ब्रिज को तो पास नहीं करूंगा जो निर्दोष जनता को सीधे ही स्वर्ग पहुंचा दे। उस ब्रिज पर एक जानवर खड़ा हो जाए तो उसकी नींवें हिलने लगती हैं, लगता है जैसे अब टूटा तब टूटा। नहीं साहब, उस फाइल को मैंने रिजेक्ट किया है, उस ब्रिज के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए, नहीं तो दोबारा से कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर उस ब्रिज की दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो यह बिल्डिंग बिल्कुल कलैप्स हो जाएगी परमानेंटली। देखिए साहब, आपके एक इशारे पर हमने आपके भाई को नौकरी दे दी, और वो भी परमानेंटली। आपने मेरे भाई को नौकरी दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी नौकरी और सरकार से गद्दारी करूं? ये आपकी गद्दारी नहीं, समझदारी होगी विनय साहब। इतनी ईमानदारी के साथ आप सरकार की ठेकेदारी करते हैं, और वो भी परमानेंटली, और बदले में सरकार आपको क्या देती है? गोल्ड मेडल, कार या बंगला? जो तनख्वाह सरकार आपको देती है उससे बड़ी मुश्किल से आप 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, तो अपनी अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा नाचीज सा तोहफा लेकर आया हूं। मुलाहजा फरमाइए। पूरे 5 लाख रुपए आपके छोटे से दस्तखत के लिए जो आप हमारी छोटी सी फाइल पर करेंगे, हमारी पेमेंट हो जाएगी, आपकी लाइफ सुधर जाएगी परमानेंटली। अच्छी खासी रकम है, इसे तो टेम्पररी समझिए। अगर आप हमारी पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में करवा देंगे तो हम इतनी ही रकम आपके बच्चों की मिठाई के लिए और भिजवा देंगे। अच्छा, तो इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। शादीलाल जी, जी, इससे पहले कि मैं आपकी इज्जत की बारात निकालूं, आप ये रुपया उठाइए और यहां से फौरन चले जाइए। ये क्या टेम्पररी बात कर रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। आपने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो बेईमान ठेकेदारों की जूठन पर पल रहा हो? उठाइए ये बैग और दफा हो जाइए। एक बार फिर से सोच लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? बाबू, मैं कोई भी काम टेम्पररी नहीं करता हूं, हर काम परमानेंट करता हूं। यू गेट लॉस्ट। क्या हुआ शादीलाल जी, उन्होंने आपके फल और फूल कबूल करने से इनकार कर दिया? उसने फल और फूल को नहीं, तकदीर को ठोकर मारी, और वो भी परमानेंटली। करेक्ट। आज के जमाने में दौलतमंद आदमी तो सबका बाप होता है, और ये बेवकूफ रिश्वत को पाप समझता है। पाप को पुण्य में बदलना शादीलाल अच्छी तरह से जानता है। अजी साहब, इन्हीं लोगों ने तो देश को बर्बाद कर रखा है। वो बड़ा लूज करेक्टर है साहब, न खाता है न खाने देता है, वेरी सेल्फिश। हेलो शंकर भैया, क्या बात है? फौरन नौकरी से रिजाइन कर दो। अरे, सुबह आपने कहा नौकरी पे जाओ, अभी बोलते हैं कि रिजाइन कर दूं, क्या है कि... मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, समझे? ठीक है। तो भैया का पारा कुछ चढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने को कौन सी नौकरी करनी थी? सर जी, क्या बात है? मेरा रेजिग्नेशन। अजीब लग रहा है, सुबह आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, शाम को मैंने आपके हाथ में रेजिग्नेशन थमा दिया, अच्छा नहीं लग रहा ना?
अच्छा किया कि तुमने खुद रिजाइन कर दिया टेम्पररली, वरना मैं परमानेंटली तुम्हें धक्के मार मार के इस ऑफिस से बाहर फेंक रहा था। क्यों सर जी, ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे? गुनाह तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है, जिसने मेरे 5 लाख की रकम को ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैंने कागज के टुकड़े उसके सामने रख दिए हों। वो ईमानदार हराम ज्यादा। सर जी, गाली देने वालों की तो मैं ओके। इस तमाचे का बदला मैं टेम्पररी नहीं परमानेंटली लूंगा, वो भी तुमसे और तुम्हारे बेवकूफ भाई से। सिट डाउन एवरीबॉडी।